एपिक T20 वर्ल्ड कप के मैच के बाद एक एपिक डे की शुरुआत हो गई है। आज हम आपको लेके जाने वाले उन डेस्टिनेशंस पे जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है, वो वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस, वो वाइल्ड क्रेजी एक्टिविटीज। यार आज का दिन बहुत मजेदार होने वाला है, आज की एक्टिविटीज बहुत डेयरिंग होने वाली है। हर्ष को लटका देंगे हेलीकॉप्टर से, पानी के अंदर फेंक देंगे, बड़ा मजा आने वाला है आज। बेसिकली हर्ष एक्साइटेड है तू? यार मैं एक्साइटेड हूँ पेंगुइन्स देखने के लिए, लेट्स गो। ये बैग बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे पे, टांगिए टांगिए। आज यही लूंगा मैं। बाय सर। तो हम जा रहे हैं रोड ट्रिप के लिए, एपिक रोड ट्रिप टू फिलिप आइलैंड। आज हमें लेके जाने वाली है मैरी। मैरी, यू आर फ्रॉम द टूरिज्म बोर्ड विजिट विक्टोरिया। आई एम फ्रॉम विजिट विक्टोरिया। ऑलराइट, लवली टू मीट यू ऑल। और यहां से निकल पड़े हम अपने एक एपिक रोड ट्रिप की शुरुआत के लिए। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हेलीकॉप्टर राइड के लिए फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं और इसमें यही लिखा है कि आपकी जान के आप खुद जिम्मेदार हो, हम नहीं है। और बाहर मौसम थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मुझे डर भी लग रहा है। बहुत हवा चल रही है। ऑल सेट फॉर द हेलीकॉप्टर राइड। आज एक क्रेजी फन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है यार। सच्ची में बिलीव नहीं हो रहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। ये हर्ष इस लाल से हेलीकॉप्टर को देख के बड़ा एक्साइटेड तो हो रहा है, पर अंदर से इसकी बैंड बजी पड़ी थी। We're flying, yeah! बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैं और हर्ष जा रहे हैं आज फिलिप आइलैंड का एरियल टूर करने। और जैसे जैसे हमारा हेलीकॉप्टर फ्लाइट ले रहा था वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। पूरा फिलिप आइलैंड ऊपर से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। इट वाज सो 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 ब्यूटीफुल। हमारे पायलट ने ऊपर से हमें क्यूट क्यूट पेंगुइन की कॉलोनीज दिखाई और दूर से हमें मेलबर्न सिटी भी दिख रही थी। एंड फाइनली हमारी राइड ओवर हो गई। तो मस्त ही हेलीकॉप्टर राइड करके हम आ गए चर्चिल आइलैंड। यहाँ पे हम करने वाले हैं अपना लंच और यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर काउस, बड़ी प्यारी सी वाइल्ड लाइफ और बड़े प्यारे प्यारी ऐसे गीज वाले ना नए नए बर्ड्स नजर आ रहे हैं, ऐसे हमने कहीं नहीं देखे यार। प्रणा इतना बड़ा लेंस क्यों लेके आई थी है? बैग में रखने के लिए, मेरे कंधे तोड़ने के लिए? चल ना फोटो खींचते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पे मॉन्स्टर मुंह मिल गई। हाय मॉन्स्टर मुंह, ओ ये तो मेरे को यहाँ पे हेलो कर रही है प्रॉपर। हाय मॉन्स्टर मुंह, हाय फाइव। गाइस ये कितनी क्यूट है, स्कॉटलैंड में भी मिली थी, ऑस्ट्रेलिया में भी मिली। आई जस्ट लव हर। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत फोटोजेनिक है, इसको बहुत मजा आ रहा है, मैं इसको बुला रही हूँ। तो अभी अभी टूर करके आए हैं और अपार्टमेंट में चेक इन किया है। क्या स्टनिंग अपार्टमेंट है यार। ये हमारा ड्राइंग रूम है, सब कुछ ही बहुत अमेजिंग है। इधर है हमारा बाथटब, शॉवर पैनल, कपड़े धो और यहाँ से रूम में आ जाओ। इतना थक गया हूँ, I'm done। सच में यार थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। Later that same evening। भाई साहब ठंड बढ़ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया का वेदर समर से विंटर्स वाला हो गया है। मैंने तो प्रॉपर एकदम वार्म कपड़े पहन लिए। अब हम निकलने लगे पेंगुइन शो के लिए जिसके लिए फिलिप आइलैंड सबसे ज्यादा फेमस है। पेंगुइन शो में छोटे छोटे पेंगुइन्स देखने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। देखो हवा, देखो हवा। मैं आगे बैठ जाऊँ? नहीं, कितना बुरा है। फुल पावर, फुल जोश है। जोश इज हाई सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। पेंगुइन परेड से पहले हम लंच नहीं डिनर करने वाले हैं। एक्चुअली डिनर टाइम हुआ नहीं है बट हम डिनर कर रहे हैं। इंडियन इंडियन खाना है, कॉकटेल समोसा, मिक्स वेज करी, सैफ्रॉन राइस, ब्रेड नान, मैंगो चटनी और गुलाब जामुन एंड में कॉकटेल समोसा। झूठ नहीं बोल रही, इतना डिलीशियस इंडियन खाना था ना, हमारी आत्मा रूह तक तृप्त हो गई थी। तो शाम हो चुकी है और पेंगुइन्स के बाहर आने का टाइम हो गया है। हम फोटोज नहीं ले सकते क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टनेस है और पेंगुइन्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सो फोटोज लेना अलाउड नहीं है। पर हम आपको दिखाएंगे कि पेंगुइन्स कैसे होते हैं, उनकी परेड कैसी होती है, क्योंकि हमें विजिट विक्टोरिया जो है वो हेल्प करेगा। फुली पैक्ड है, दुनिया भर भर के आई हुई है यहाँ पे, आने वाली है प्रेरणा पेंगुइन। एक मेमोरी ली है यार, कितनी क्यूट है, इसकी ड्रेस दिखा पीछे से। द नेक्स्ट
मॉर्निंग। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम कैंगरूज और कोआलास देखने वाले हैं। हम जा रहे हैं मूनलिट सैंक्चुअरी और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंगरूज और कोआलास मिलने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, आई इसलिए थी यार मैं ऑस्ट्रेलिया, मुझे कैंगरूज देखने हैं, जो उनके क्यूट से पाउच होते हैं ना आगे, उनको देखना है और पिक्चर्स लेनी है। चलो फिर चलते हैं अंदर। तो मुझे पहला स्पीशी दिख गया यहाँ का, जो कि एक वॉम्बैट। यार ये बिल्कुल अलग सा लग रहा है। तो जैसे डॉग्स अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं ना सूसू करके या भौंक के, वैसे ये वॉम्बैट जो होता है ये स्क्वायर पूप करता है, पॉटी करता है स्क्वायर और वहां पे अपनी टेरिटरी मार्क कर देता है। और शुरुआत हुई कुछ लिजर्ड्स देखने से एंड उसके बाद हमने ऑस्ट्रिचेस देखे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स देखे एंड मेरे फेवरेट कोआलास, इनकी सारी हरकतें कितनी क्यूट होती है। सो फाइनली हमने कोआलास का एनकाउंटर कर लिया। क्या एनकाउंटर था, मजा आ गया यार। इतने चुम्बेश्वरी, इतने प्यारे, इतने क्यूट क्रिएचर्स है ना, फ्लफी, क्या स्किन है यार उनकी। और यहाँ पे इनको बड़े अच्छे से रखा जाता है, बड़े अच्छी चीजें सिखाई जाती है, बड़े अच्छे से पाला जाता है। फाइनली हमें कैंगरूज दिखे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। यहाँ तो कॉलोनी है इनकी, पूरी पूरी कॉलोनी यहाँ भी है और वहाँ पे भी है। और हर्ष के तो फेवरेट थे कैंगरूज जंप। इनकी जंप्स देख के कितना खुश हो रहा है yeah. यार बहुत ही प्यारा दिन है और बहुत ही क्यूट क्यूट एनिमल्स हमने देखे, क्या वाइल्ड लाइफ है। एक्चुअल में कैंगरूज और कोआला से मिलके बहुत मजा आया। अब चलते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, इंडियन ढूंढते हैं कुछ अगर मिलता है तो, अदरवाइज जो मिलेगा थैंक यू गॉड। ये हमेशा मुझे बोलता है, खुद यहाँ पे कैंगरू पकड़ के खड़ा है और मुझे मैं बस देख रहा हूँ, मैंने निकालो। कितना क्यूट है कैंगरू और उसके पाउच में एक और छोटा कैंगरू। कैंगरू को भी सिप है ना। हाँ पीले पीले बेटे। हर्ष इसका नाम तो रख दे यार, रूबी। हे रूबी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के बाद हम आए हैं मॉरिंगटन पेनिनसुला और यहाँ पे हमने फाइनली ढूंढ लिया है अमेजिंग अरोमास, इंडियन खाना। सो इंडियन कहीं भी जाए इंडियन फूड ढूंढ ही लेता है। अब चना मसाला आलू पराठा खाएंगे। बहुत अच्छा है, मजा आ गया। तो अभी हम इस टाइम है ब्रिटेन बॉक्सेस के बाहर। यार वो गाना याद है ना, आज ब्लू है पानी 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 पानी, उसके बैकग्राउंड में भी ऐसे ही थे। तो चलो अभी इसके सामने बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स लेते हैं, बहुत ही प्यारी आने वाली है आई एम प्रीटी श्योर। बहुत सनी वेदर भी है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बीच में आके यार फाइनली। द नेक्स्ट मॉर्निंग, आज हर्ष अपना बैकपैक उठा के कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छे ट्रिप पे। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं मेलबर्न की बहुत ही फेमस स्ट्रीट आर्ट। बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी पिक्चर्स होंगी वहाँ पे, उसके अगेंस्ट हम फोटोज खिंचवाएंगे। बेसिकली बहुत अच्छा इंस्टाग्राम का कॉन्टेंट आने वाला है। तो चलो आपको दिखाते हैं मेलबर्न में क्या ब्यूटीफुल ग्रेफिटी हुई हुई है, क्या स्ट्रीट आर्ट हुई हुई है और खुद भी देखते हैं। वैसे बारिश हो रही है बाहर, बड़ा झोल लग रहा है, पता नहीं कैसे चल पाएंगे, पर चल ही लेंगे हम, करके दिखाएंगे। हाँ भाई इंडियन है भाई, सब कर ही लेते हैं हम। ये अलादीन का चिराग लग रहा है मुझे। हर्ष क्या हुआ, अभी तो हमारा टूर स्टार्ट हुआ है, तेरे को भूख लगी? ये यहाँ की फेमस टी शॉप है, काश मैंने ब्रेकफास्ट ना किया होता, मैं यहीं आके खाता, पता है। राइट साइड में स्कल बना हुआ है और NBA प्लेयर्स बने हुए हैं। बहुत ही हिप सी एकदम स्ट्रीट है और आई थिंक यहाँ के यंगस्टर्स बड़े कूल है यार, बड़ी सही सही ग्रेफिटी बनाते रहते हैं। बढ़िया मजा आ रहा है यार यहाँ पे टूर करने में। इधर दिखाती हूँ आपको, हर जगह ग्रेफिटी ग्रेफिटी है। स्ट्रीट आर्ट देखने के बाद हर्ष को मैं लेके आई हूँ यहाँ पे खोपड़ियाँ दिखाने। क्या अमेजिंग स्कल है यार, डर लग रहा है इसको देख के। ओके मैं सीरियसली, मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है इतने सारे स्कल्पचर्स एक साथ देख के, इतने सारे स्कल्स एक साथ देख के। नेक्स्ट मॉर्निंग, एक और नया दिन, एक और नई सुबह। आज हम जा रहे हैं मॉर्निंगटन पेनिनसुला, वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग बने हुए हैं, उसके अंदर हम ना बहुत आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। पानी के अंदर गरम गरम पानी होने वाला है। हाय हाय इतनी ठंड हो रही है बाहर मेलबर्न में, गरम पानी की बहुत जरूरत है। चलो चलते हैं पेनिनसुला दिखाते हैं, उसके बाद अगर बारिश रुक गई तो गोंडोला राइड दिखाते हैं, उसके बाद आपको स्काई डेक दिखाते हैं, मेलबर्न का सिटी व्यू दिखाते हैं, धड़ाम तो धड़ूम मचाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, लेट्स गो। मौसम थोड़ा सा बेटर हो चुका है, काफी ज्यादा ठंड है आज के दिन। गोंडोला चल रही है, पता नहीं कब तक चलने वाली है, अभी चल रही है तो जल्दी से चलते हैं, इसमें हॉपिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मेलबर्न का। लेट्स गो गाइस। हर्ष मुझे शूट कर रहे हैं, मैं इसे शूट कर रही हूं। ये लड़की कुछ बोलना चाहती है, बोल भाई बोल। तू मैं बोल। बोलना चाहती हूँ नोबिता, आज बहुत ही प्यारा दिन है, हम अर्थर सीट जा रहे हैं इस इतने सुंदर गोंडोला पे बैठ के और ये हिल रहा है, पता नहीं बहुत तेज हिल रहा है क्योंकि बहुत तेज हवा आ रही है, अब हम गिर सकते हैं। गोंडोला नहीं हिल रहा, ये हिल रहा है, ये बंदा पता नहीं क्यों मुझे परेशान करता रहता है, मुझे समझ नहीं आता। मामा मुझे बचाओ इस दुष्ट से। मामा नीचे व्यू इतना सुंदर है, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से छलांग मार के सीधा पानी के अंदर चली जाऊँ। तो हमने यहाँ पे अपनी एक नकली फोटो भी बनवाई है, यहाँ पे हमें सुपर इम्पोज कर दिया है बैकग्राउंड के ऊपर, बहुत क्यूट लग रहा है। सच में ड्रोन फोटो थी ये।
नकली कुछ नहीं है इसमें, ड्रोन फोटो थी। यस, ये एकदम परफेक्ट एकदम ड्रोन पिक्चर है एंड इट्स अ नाइस वन, सो हम ले रहे हैं। अभी हर्ष सर को फिर से भूख लग गई है, ब्रेकफास्ट करते ही इसे भूख कैसे लग जाती है मुझे समझ नहीं आता। यार इतना फेमस रेस्टोरेंट है ना, तूने देखा इसका ऑरा ही अलग है, इतने लोग आए हुए हैं। क्या तकलीफ है इसको? मेरा पेट खराब है। तेरा पेट खराब? उसने भी ऐसे हाथ रखा हुआ, मैंने भी ऐसे हाथ रखा हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो रही है तेरे को। तो हमें फैंसी से रेस्टोरेंट में आ गए हैं और इतनी अमेजिंग अमेजिंग डिशेस आ रही हैं, बहुत ही डिलेक्टेबल है। मतलब ऑनेस्टली मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है अब खाना, इतने दिनों के बाद कुछ नया और डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करने को मिल रहे हैं। तो गाइस हम फाइनली आ गए पेनिनसुला हॉट स्प्रिंग्स के लिए और यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के बहुत सारे पूल्स बने हुए हैं। इन पूल्स के अंदर हम डुबकी मारेंगे और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पानी का आनंद लेंगे। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। बड़ा ईजी प्रोसेस था, अंदर आते ही लॉकर्स मिल जाते हैं, ऐसा हैंड बैंड दिया आपको, इससे आपके लॉकर्स ऑपरेट हो जाते हैं, फटाफट अपना सारा सामान अंदर डालो, शावर लो। कितना बड़ा मैप है, शावर लो। इतना बड़ा पेनिनसुला है ये पूरा यार। भाई हम यहाँ कहीं है भाई, इसके अंदर फायर एंड आइस केव्स बनी हुई है, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, बबल स्पा बना हुआ है। चल यार टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले बहुत लेट हो गया, लेट्स गो। यार जहाँ पे हम इस टाइम है ना, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ अपने आप को। इतना ज्यादा रिलैक्सिंग हिल टॉप व्यू है यहाँ से, 360 डिग्री व्यू, पागल हो गई यार मैं देख के, लिटरली अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यार एक के बाद एक हॉट पूल के अंदर जंप मार के जो रिफ्रेशमेंट आ रही है ना अंदर बॉडी में, कभी सोचा नहीं था। इन्होंने पूरा ऐसे एक वर्ल्ड बना रखा है कि मतलब एक पूल के अंदर जाओ फिर दूसरे पूल में जाओ, कोई ठंडा है कोई गर्म है कोई और भी गर्म है, मजा आ गया यार। मतलब क्या चीज बनाई यार बनाने वाले ने, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी ना डिटॉक्स हो गई है। हाय हाय हाय। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिप इन मेलबर्न। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस देखी, लास्ट में दिल भर के सरवाना भवन पे डोसा और इडली खाए। थैंक यू विजिट विक्टोरिया फॉर दीज अमेजिंग मेमोरीज एंड मैरी फॉर शोइंग अस अराउंड। बहुत बहुत मजा आया एंड वी रिकमेंड एवरीबॉडी टू विजिट विक्टोरिया मेलबर्न वंस इन देयर लाइफ टाइम। आई बेट मजा आ जाएगा।